अभी हम लोग जो है ना ये रेलवे की साइड साइड पर जो है वो बाइक्स चला रहे हैं। यहाँ पर आपको जो है रेस्टोरेंट जो है वो बहुत अच्छे मिल जाते हैं, मोस्टली मुस्लिम जो है फूड आपको इजीली यहाँ पर अवेलेबल है, नान शान बन रहे होते हैं। इसके अलावा लंच लामियान यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी हैं और दूसरे कंट्रीज़ के भी रेस्टोरेंट हैं, डिफरेंट आपको जो है मिल जाता है। अगर कोई यहाँ पर रहता है ना तो उसके लिए फ़ूड का कोई इशू नहीं है, वो यहाँ पर इजीली फूड का अरेंज कर सकता है। गर्मी बहुत ज़्यादा हुई हुई है। हमारा ये है कि हम लोग आगे जो है ना वॉच मार्केट जो है वहाँ पर जाएं और वहाँ का जो है मैं आपको एक राउंड दे सकूं। खैर मुझे तो वॉच का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन जिन लोगों को शौक होता है वो उनके पास जो है वो कलेक्शन वगैरह रखने का उन्हें बहुत ज़्यादा शौक होता है। रेलवे इतनी देर से हम लोग खड़े हुए हैं, अभी तक जो है ना वो इशारा बंद नहीं हो रहा है, रश की इंतहा हुई हुई है। जो साइकिल वाली साइड वाली जगह वो इन्होंने गाड़ियों ने टैक्सियों ने ब्लॉक की हुई है। यहाँ पर भी छोटी छोटी शॉप्स जो हैं वो मुझे नज़र आ रही हैं, बैग्स की और बेल्ट वगैरह इस टाइप की। आगे भी मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा जो है ना शॉप्स हैं। बिजनेस होटल है ये, सिम वगैरह का जो है वो शॉप्स बनी हुई हैं। बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर, मुश्किल है बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करना इस रोड पे। ये वॉच एरिया जो है ना बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, यहाँ पर जो है वो वॉक करना इतना मुश्किल है, लेकिन अगर गाड़ियों पे लोग आते हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है ये। और पार्किंग वगैरह से भी ये जगह फुल हुई हुई है। और हम लोग पैदल, हम लोगों ने बाइक जो है वो साइड पर लगाई है और पैदल जो है हम लोग वॉक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है हम लोगों को पैदल भी सर्वाइव करना। अगर आप लोग आ रहे हैं तो आप पीछे ही उतरें, गाड़ी पे अंदर इंटर होने की ज़रूरत नहीं है और आप पैदल ही यहाँ पर चलें और इस मार्केट को एक्सप्लोर करें, ज़्यादा बेहतर है। अभी अंदर मार्केट के अंदर मैं जा रही हूँ और फिर आपको मज़ीद में रिव्यू दे। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अंदर आए हैं, थोड़ा सा सुकून हो गया। यहाँ पर AC वगैरह चल रहे हैं। ये है वॉच मार्केट, यहाँ पर आपको हर तरह की वॉच वगैरह जो है वो मिल जाएंगी। और बहुत जिस तरह हम लोग मोबाइल मार्केट में गए थे सेम उसी तरह ही यहाँ पर भी ये मार्केट है। लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, फॉरेनर स्पेशली बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। स्टाइल वगैरह और इसके अलावा जो है क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। ये जो है बिल्कुल वॉच मार्केट की एक साइड पर पीछे उसकी एक जगह बनी हुई है, यहाँ पर भी मोस्टली आपको ना बैग्स, कैप और शर्ट्स और जीन्स वगैरह ही मिल रही हैं। ये भी सारा फॉरनर एरिया ही है। हम लोग आगे जो है वो वॉच वाली साइड पे दोबारा जा रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो प्लाज़ा हम जिसमें गए हैं वो वाला इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये जो है ये भी एक मतलब छोटी सी मार्केट ही इसे कह सकते हैं। यहाँ पर भी फॉरनर्स का आना जाना बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि उस टाइप के कपड़े पड़े हुए हैं। ग्लासेस की भी शॉप है, कैप्स बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं। यहाँ पर मैंने देखा कि अफ्रीकन पीपल्स बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, मे बी के उनकी कैटागरी की यहाँ पर चीज़ें हों। ठीक है, मतलब नॉर्मल सा है, इतना लोगों का रश तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है, काफ़ी कुछ आपको मिल सकता है। एक दफ़ा मैं पहले भी इस मार्केट में आई हूँ तो उस वक्त बहुत ज़्यादा रश था और मार्केट जो थी ओपन थी, लेकिन आज जो है ना इन लोगों ने अपनी जो फ्रंट पे इनके वो क्या बोलते हैं इसको डिस्प्ले जो है वो इन्होंने ख़त्म किया हुआ, मतलब बहुत कम वॉचेस जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तो मैंने एक वॉच जो है ना वो गुची की पसंद की है कॉपी में और बहुत मुझे अच्छी लगी। नॉर्मली जो है ना मैं वॉचेस पहनती नहीं, ये मेरी ज़िंदगी की पहली वॉच है जो मैंने अपने खुद मतलब बाय की है। वैसे मैंने कभी भी वॉच यूज़ नहीं की,
मतलब ना बैचलर में यूज़ किया और ना अब यूज़ किया है, लेकिन वो इतने मुझे अट्रैक्ट कर रही थी तो बोल रही, उसने रेट बताया था 120 आरएमई में भी, तो हम लोगों ने कहा कि चलो अच्छा लेनी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने 60 आरएमई से बोला तो उसने दे दिया। अभी जो है वो छोटा साइज़ मैं करवा रही हूँ कि मेरे साइज़ में आ जाए, मनहा को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई हुई है। हाँ का हम लोगों ने विज़िट कर लिया, अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। यहाँ पे गोंगजू में एक नया रेस्टोरेंट जो है वो ओपन हुआ है तंदूरी होटल के नाम से, हम वहाँ पर जाते हैं और वहाँ का खाना जो है ट्राई करते हैं, मैं साथ में आपको उसका रिव्यू भी देती हूँ। खाना हमारा जो है वो आ चुका है। खाने में मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि मैंने ऑर्डर क्या किया। एक तो ये मटन पुलाव की है, साथ में जो है ये तंदूरी रोटियाँ की हैं, और ये निहारी है। निहारी के साथ जो है ये सलाद और वो मतलब दही है, और ये जो है मटर पुलाव है, सॉरी बटर पुलाव है, ये बटर हांडी है ये, और साथ में ये एक जो है वो बटर वाला नान है और दूसरा सिंपल वाला है ना, ये हम लोगों ने आज ऑर्डर किया। निहारी जो है वो मटन 62 की है, बीफ 65 की है, तो मतलब ये खाना इतना है 2 से 3 लोगों के लिए, मतलब राइस तो 2 लोगों के लिए, मतलब दो लोग आराम से खा सकते हैं। बाकी सालन जो है वो जाहिर सी बात है कि 2 सालन मंगवाए हैं तो कुछ ना कुछ बच जाएगा। अच्छा आपको ना मैं बताती हूँ इसका टेस्ट। अच्छा पहले मैं ट्राई करने लगी निहारी, और निहारी का टेस्ट जो है हम लोग चेक करते हैं कैसा है। वाह, गोश्त अच्छी तरह फुल गला हुआ, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत मजे का। बहुत अरसे बाद निहारी खाने को मिली है, लेकिन इतनी मजे की मिलेगी, बहुत मजे की है। अच्छा जी अब मैं ट्राई कर लेती हूँ बटर कढ़ाही, बटर हांडी। अब मैं ट्राई कर लेती हूँ बटर हांडी, और इसका भी टेस्ट आपको बताती हूँ। ये बहुत अंदर तक गला हुआ है, अच्छा नहीं है। इसका टेस्ट बहुत मज़े का है, इसका टेस्ट बहुत हल्का है, मतलब नॉर्मल सा है। उन्होंने बताया भी था हमें कि ये आप ना करवाएं, लेकिन मकास को लगा कि ये करवाना चाहिए। राइस में मज़े किए, खाना अच्छा है। यहाँ मटर पुलाव जो है ना वो उसमें कह रहे कि मसाले कम है, एक तो उसके गोश्त की भी थोड़ी सी मुझे स्मेल आई है, स्मेल नहीं मरी हुई, और बाकी ये जो निहारी है ना ये तो इतनी कमाल की है ना कि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊँगी ना, जिस तरह मैं तपंछी जो है वो लाजमी खाती हूँ दूसरे होटल पे जाकर, यहाँ पर भी मैं ये जो है लाजमी खाऊँगी कि निहारी लाजमी हो मेरे लिए। चलें जी ठीक है, आज का व्लॉग जो है बस यहाँ पे मैं एंड करती हूँ, हम लोग खाना खाते हैं और इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।